बोरोन के कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डाइबोरेन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डाइबोरेन जो है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और इसकी हम प्रिपरेशन भी डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे, और आपका इनऑर्गेनिक बेंजीन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और इस पे जो इम्पोर्टेंट IIT में क्वेश्चंस आए हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे सब पर, ठीक है। तो कुछ एक क्वेश्चन आए हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है उन्हीं चीजों को डिस्कस करना चाहिए जो IIT विशेषकर पूछती है। तो बोरोन आपके बहुत सारे हाइड्राइड्स बनाती है, और बोरेन्स को भी बिल्कुल एल्केन्स की तरह लोगों ने सोचा, जैसे मीथेन इथेन प्रोपेन होती है। तो इसमें दो आपकी कैटेगरी के मेंबर्स नेचर में एग्जिस्ट करे, एक BnHn+4 और एक BnHn+6। तो उसमें बहुत सारे फार्मूले और कंपाउंड हमें मिले, जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपका डाइबोरेन है, B2H6, जिसकी प्रिपरेशन। तो आपका डाइबोरेन बनाने के कई सारे मेथड्स हैं, जिनमें से फर्स्ट मेथड ये कि आप इसकी रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ बोरोन ट्राइक्लोराइड की करा देते हैं इथर के प्रेजेंस में, तो आपका डाइबोरेन और लिथियम क्लोराइड और AlCl3 बन जाता है। दूसरा है आपका बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट लो प्रेशर थ्रू ए मिक्सचर ऑफ बोरोन ट्राई क्लोराइड और ट्राई ब्रोमाइड एंड एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। तो एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन लेकर साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करके भी आप डाइबोरेन बना सकते हैं। और थर्ड है लिथियम हाइड्राइड विद बोरोन ट्राई फ्लोराइड, बोरोन ट्राई फ्लोराइड के साथ भी रिएक्ट करके ये आपका जो है आपका डाइबोरेन। तो अब जो है हम डाइबोरेन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो ये कलरलेस है और बहुत स्टेबल होता है लो टेम्परेचर पर इन एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ग्रीस, और एट हाई टेम्परेचर इट चेंजेस हायर बोरेन्स में हो जाता है, रेड हॉट करने पर बोरोन और हाइड्रोजन में डीकम्पोज जाता है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और रिएक्शन इसकी हाईली एक्सोथर्मिक होती है। वाटर से रिएक्ट करता है तो आपकी जो है हाइड्रोजन को लिबरेट करता है, ठीक है, और बोरिक एसिड बनाता है, और इट रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग एल्कलीज टू फॉर्म मेटाबोरेट्स एंड हाइड्रोजन। और नेक्स्ट पॉइंट है इट रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म बोरोन ट्राइक्लोराइड, बोरोन ट्राइक्लोराइड ये बना देता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl से भी रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, और क्लोरोडाइबोरेन और हाइड्रोजन बनाता है। लिथियम बोरोहाइड्राइड भी बनता है डाइबोरेन की जब हम लिथियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी। तो आपका जो डाइबोरेन है ये अमोनिया के साथ लो टेम्परेचर करने पर एक एडिशन कंपाउंड बनाता है B2H6NH3, और इसको हम यदि स्ट्रॉन्ग हीट करें तो आपका जो कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड बोराजीन, ठीक है, या बोराजोल, या हम उसे इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। तो ये आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये आपका रेजोनेंस भी शो करता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगी बात, ठीक है। क्वेश्चन में ये रेजोनेंस भी शो करता है, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर शो करता है, एरोमेटिक नेचर में है, और हकल्स रूल्स की कंडीशंस को सबको फॉलो करता है। तो इसके एरोमेटिक होने का रीजन ये है कि आपका अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है, लोन पेयर जो होता है वो अमोनिया रेजोनेंस में डाल देता है, ठीक है। तो वो लगातार फिर यहां भी ये सब शिफ्टिंग लगातार होती रहती थी, रेजोनेंस है। तो इसकी रेजोनेंस को आप बेंजीन की रेजोनेंस की तरीके से लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस भी है क्योंकि यहाँ बी है और यहाँ एन है। तो आइसोमर्स वगैरह के क्वेश्चंस में आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है, और इनऑर्गेनिक बेंजीन एक मतलब इंपॉर्टेंट IIT के हिसाब से। तो आपका जो डाइबोरेन है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आपका जो है कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है, ठीक है, और उसके बाद सोडियम एमलगम के साथ एडिशन कंपाउंड बनाता है, और पॉलीमराइज इसके जो यूजेस है उसमें ये पॉलीमराइजेशन के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज होता है, जिसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एक रिएक्शन बनेंगे पढ़ेंगे, बोरेशन एंड क्या नाम है आपका डिबोरेशन, ठीक है ना। तो वहां पर ये रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह के रूप में यूज होता है, ठीक, कि भाई आपका जो एल्कीन है उसमें आप एडिशन करेंगे वाटर का एंटी मार्कोनिक ऑफ रूप से, ठीक है ना। तो वहां भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है B2H6, और हाई मेकिंग एनर्जी फ्यूल्स एंड प्रोपेलेंट्स वगैरह में ये यूज। तो डाइबोरेन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपके दो बोरोन एटम हो गए, ये आपके टर्मिनल हाइड्रोजन आ गए चार, ठीक
ठीक है, जिन्हें आपने एच टर्मिनल का नाम दे दिया। और ये दो ब्रिज हाइड्रोजन, इनका एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये बोरोन का अपना एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे बोरोन का अपना इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है कि इन दोनों में, तीनों में शेयर है। तो ये आपकी एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग बन रही है, जिसे आप बनाना बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। इसका आप डायग्राम ऐसे ही बना सकते हैं, बोरोन, ठीक, यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के साथ इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये इसका इलेक्ट्रॉन है मान लो, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये एक एम्प्टी है, ये एक आपका एम्प्टी, एक में वाला इलेक्ट्रॉन है, एक एम्प्टी है, दूसरा ये बोरोन आ गया आपका, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, और ये, और इस टेरिटरी में एक हाइड्रोजन और आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन ऐसा आया जिसने इन सब में शेयर कर लिया, इसमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लगा के जिससे इन सबने शेयर कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके की कंडीशन इसमें बनती है, तो आपका एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है बनाना बॉन्डिंग। तो डाइबोरेन के आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की इमेजेस वगैरह देखेंगे, थोड़ा सा ऑलॉजिक आपका क्लियर हो जाएगा डाइबोरेन का स्ट्रक्चर कैसा। तो स्पेशल टाइप की बनाना बॉन्डिंग है, ठीक है, और टू बनाना बॉन्डिंग, और चार जो है ये टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड है, और दो आपके थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड है, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन है, उनके सेंटर तीन है। तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक्सेप्शनल टाइप का, अलग तरीके का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन आईटी जेई में पूछ लिया जाता है। तो एक कंपाउंड है आपका, ये आईडीजी का क्वेश्चन है, एक्स ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड गिव्स ए हाइड्राइड ऑफ वाई एंड कंटेनिंग 21.72% हाइड्रोजन अलोंग विद अदर प्रोडक्ट्स। द कंपाउंड वाई रिएक्ट्स विद एयर एक्सप्लोसिवली रिजल्टिंग इन बोरोन ट्राइऑक्साइड। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, गिव बैलेंस रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ वाई एंड इट्स रिएक्शन विद एयर, ठीक है। तो आपको ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वाई, तो Y का स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है, तो और जो है इसकी रिएक्शंस वगैरह भी लिखनी है, ठीक है। तो ये आईटी 2001 में आया था, तो वीडियो को रोक के यहां पर आप पहले जो है सोचे क्वेश्चन के बारे में, फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। तो यदि आप इसका सॉल्यूशन देखें तो क्वेश्चन की जितनी छवि बताइए उसमें से आप आराम से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। तो बोरोन ट्राई क्लोराइड जो था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड साथ डाइबोरोन बनाता है, और इसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी 21.72% होती है, और डाइबोरोन की रिएक्शन भी है, स्ट्रक्चर भी है, तो ये सब आप जानती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आई टी जे पूछती है, तो इसके लिए आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ी अहमियत दें, और अक्सर बच्चे नहीं देते हैं तो नंबर नहीं आते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका कि द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन B2H6 कंटेन, ठीक है, तो और ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। ये IEEE में 2005 में क्वेश्चन, तो आप करिए वीडियो पॉज करके यहाँ पर जो है इसका देखिए क्या आंसर हो सकता है आपके हिसाब से, फिर देखिएगा क्या आंसर है, ठीक। तो इसमें क्या है कि यदि आपको थोड़ा ध्यान है डाइबोरोन का स्ट्रक्चर तो आप बड़े आराम से लगा सकते हो, और यदि डाइबोरोन का स्ट्रक्चर ध्यान नहीं और चीजें नहीं ध्यान, तो बड़ा ये रखता है सी क्या है और ई क्या है, ठीक है ना। तो सी मतलब सेंटर है और ई मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो बोरिन में डाइबोरिन के स्ट्रक्चर में आपने देखा था चार तो टर्मिनल हाइड्रोजन थे, ठीक है, जिनमें एक एक दो इलेक्ट्रॉन डिस्कस हो रहे थे और दो ही सेंटर थे, और दो आपके मतलब तीन सेंटर और दो इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड्स थे, ठीक है ना, जो दो बनाना बॉन्ड हमने कहे। तो ये जो है आपका आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं तो नहीं आया लेकिन एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, ठीक है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बोराजीन, बोराजीन में दो सब्स्टिट्यूट लगा दे तो कितने बन सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज कर दें और फिर जो है बताएं, ठीक है।
इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं मतलब सजेस्ट करूंगा आप इसके स्ट्रक्चर सोचो. बेंजीन के यदि हम डाई सब्स्टिट्यूट बनाए C6H4X2 के तो कितने बनेंगे, ठीक है ना? तो इसके आपके बनेंगे तीन, ठीक है, जिसे आप ऑर्थोमेटा पैरा के नाम से जानते हैं. बाकी सब सेम बनेंगे, तो इसके तीन बनेंगे, लेकिन इस केस में क्या आपके चार बनेंगे, क्योंकि आपको ध्यान से देखना है कि भाई ये जो कॉर्नर्स है इन पे बोरो नाइट्रोजन ये मान लो चलो रहेंगे, ठीक, ये बना दिए चार. अब आपने और भी सोचेंगे, सोचेगा आपने हिसाब से कॉम्बिनेशन, जैसे यहां एक्स लगा दिया एक यहां एक्स लगा दिया, बाकी सब जगह हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन को मतलब साइलेंट भी मान सकते हैं, ठीक है, नाम लिखे तो यहां आप लगा रहे हैं, यहां लगाए दोनों सेम बनेंगे, ठीक, तो एक ही हो गया. एक आपने यहां पर लगा दिया एक्स और एक यहां लगा दिया एक्स, दूसरे बन दिया यहां यहां लगा दिया वो भी सेम बनेंगे आपके. एक आप लगा दिया एक्स यहां और एक एक्स यहां, ठीक है, तीन दो इसके करीब होंगे, लेकिन एक आप यहां पर भी एक्स लगा सकते हो और एक यहां भी एक्स लगा सकते हो. वो जो है आपका इससे डिफरेंट है, क्योंकि यहां बोरोन से एक्स जुड़ रहा है और यहां नाइट्रोजन से, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन चार है, ठीक है. तो एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है.